हाय फ्रेंड्स, मनीष नायर वंस अगेन। लिसनिंग, ध्यान पूर्वक सुनना, ये एक कला भी है और एक कौशल भी है। कैसे? जैसे कि कहते हैं दोस्तों कि लिसनिंग इज एन आर्ट एज वेल एज स्किल, बिकॉज यू नीड टू एग्जिबिट, और जो प्रदर्शित की जाती, जो एग्जिबिट की जाती है उसे कला कहते हैं। और वो जो आप सीख सकते हैं, जो आपको नेचुरली नहीं आता, गॉड्स गिफ्ट नहीं है, और आप उसे एक्वायर कर रहे हैं, एक्वायर करने के बाद में वो एक अच्छे हैबिट में टर्न कर रहे हैं, एक अच्छे अनुभव में टर्न कर रहे हैं, उसे कहते हैं कौशल, स्किल। तो दोस्तों, लिसनिंग यदि आर्ट है और स्किल है तो कैसे है, समझ लेते हैं दोस्तों। आर्ट क्योंकि हमें कई बार प्रदर्शित करना होता है कि हमने सही सुना है क्या, और वह सही सुनना हमारा किस पे निर्भर है, सही समझने में। तो दोस्तों, आप जब भी लिसन करें, ध्यान पूर्वक लिसन करें, तो आपके दो तीन इंद्रियां हैं जो काम करती है यहां पे, वो है आपका ऑब्जर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप उस तरफ देख रहे हैं जहां से आपसे कोई बात कर रहा है या सवाल पूछ रहा है, हा? और दूसरा आपका माइंड का फोकस या कॉन्सेंट्रेशन उस दिशा में है, और तीसरा, अगर ये दो चीज साथ में है तो तीसरा ऑटोमेटिकली आप पूरी तरह लेके जाते हैं, वो है अपने कान। क्योंकि ध्यान पूर्वक सुनने का मतलब है कि आप उसे पहले सुने और प्रोसेस करें उसे अंदर ही अंदर, कि मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, मैंने जो समझा है, वो सही है या गलत। तो फीडबैक मैकेनिज्म नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके जरिए आप वापस उस व्यक्ति को या उस सवाल को या जो भी आपसे पूछा गया है उससे आप वापस से रिवर्ट करके कह सकते हैं कि क्या साहब, आपने जो ये कहा है आपका मतलब ये है, और यदि उनका मतलब ये है, वो एग्री करते हैं, तो इसका मतलब आपने सही सुना, सही देखा, सही प्रोसेस किया, सही समझा, और तभी आप उसे ले पाए। अब आप जवाब दे सकते हैं उसे उसका। यदि मान लीजिए आपने पूछने के बाद कि वो सही समझ नहीं थी आपकी, तो जो आपसे पूछ रहा है या आपको जो बता रहा है वो डेफिनेटली कहेगा कि मेरा मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने एक बार रिकन्फर्मेशन किया है ये लिसनिंग से, इस स्किल से, इस हैबिट से, कि आप जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, क्या ये उनका यही मतलब है, और अगर नहीं है तो उनसे दोहरा दीजिएगा। ये एक छोटा सा प्रोसेस है लिसनिंग का, मगर लिसनिंग को यदि आप हॉन कर रहे हैं, इसे एक्वायर कर रहे हैं, तो इसे कैसे कीजिएगा, मैं इस पर आपका ध्यान दिलाता हूं। मान लीजिए दोस्तों कि आप कभी अंग्रेजी पिक्चर देख रहे हैं या अंग्रेजी में कुछ कोई वीडियो देख रहे हैं। अंग्रेजी इसीलिए क्योंकि लिसनिंग का आपको आपके वर्नैक्युलर लैंग्वेज में इतना तकलीफ नहीं जाएगा, क्योंकि बचपन से आप जिसे बोलते सुनते सीखते समझते आ रहे हैं उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है। हाँ, मगर स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश कम्युनिकेशन में यदि आप लिसनिंग स्किल्स को ऑन कर रहे हैं, तो मेरा दावा है कि आपको ये हैबिट्स बहुत, ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, ये काफी मददगार साबित होंगे। कैसे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। लिसनिंग, सबसे पहले यदि आपने कभी अंग्रेजी में कोई वीडियो देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, तो उसके सबटाइटल्स वाला मत देखिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि उसकी दो लाइन तीन लाइन हो जाती है तो आप उसे पॉज कर लें और आप उसे लिख लें। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिसनिंग स्किल्स को कोई और स्किल्स भी है जो आपको प्रील्यूड या प्री रिक्विजिट कहलाता है, और वो है राइटिंग स्किल्स। यदि आप लिसनिंग कर रहे हैं तो राइटिंग भी करना चाहिए आपने। जैसे आप कुछ देखते हैं उसे आप दो लाइन तीन लाइन को अच्छे से लिख लीजिए, और कोशिश कीजिए जो आपने लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आता है तो ये पहला एक्सरसाइज है आपके लिसनिंग स्किल्स के लिए। दोस्तों, ऐसा करते हैं, करते करते आप वो पूरे पैराग्राफ समझ जाएंगे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप ऐसा कर रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, आप मूवीज देख रहे होंगे अंग्रेजी में, और उसका आप जो क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे राइटिंग में, उसको आप हैबिट में जब डाल रहे होंगे, तो धीरे धीरे आपके वन लाइन टू लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, टू लाइन थ्री लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आने वाले दिनों में, क्योंकि आपका हैबिट हो जाता है कि आपने देखा है, आपने ये सुना है, तो इसके मतलब मालूम है, उसको आप हैबिट में पैराग्राफ तक लेके जा सकते हैं, और उसके बाद में अनायास ही एक दिन आप इस हैबिट में, इस गुड हैबिट फॉर्मेशन में आ जाएंगे, इस मोड में आ जाएंगे कि आप बगैर लिखे ये जो भी आप देख रहे हैं उसे आप सुन के, ध्यान पूर्वक सुन के उसे समझ पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा आप अकेले कर सकते हैं, ऐसा दो दोस्तों के बीच में भी हो सकता है कि आप अपने दोस्त को इनवाइट कीजिए और कहिए कि ये मूवी है, अच्छा बता इसका मतलब क्या है। तो ऐसा आप दो के साथ कर सकते हैं, ऐसा आप ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल आप अकेले, दो लोग और ग्रुप में करने से आपके एडवांटेज ये हैं कि जब दूसरे आपसे बेहतर समझने लगते हैं तो आप धीरे धीरे उनसे वो सीखना चालू करते हैं। तो लिसनिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है, और इसको एक स्किल है, एक कौशल है, इसे आप जरूर हॉन कर सकते हैं,
इस पे आप काम कर सकते हैं और इस पे काम करने के बाद में आप बहुत अच्छे क्या कहते हैं स्किलफुल आर्ट यानी एक अच्छा कौशल जिसे कला पे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और मान लीजिए दोस्तों यदि आपने लिसनिंग की है तो लिसनिंग प्रीलूड है कम्युनिकेशन का। यदि आपके कम्युनिकेशन अच्छे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका लिसनिंग स्किल्स ये एक्वायर्ड स्किल्स बहुत अच्छे हैं और इसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने अनुभव में लाइए। एक दिन अनुभव इतना अच्छा हो जाएगा कि आप अच्छे कम्युनिकेटर भी बन जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, अगले किसी ऐसे ही रोचक टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। दोस्तों तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस।